नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है तो विपक्ष अपनी तैयारियां कर रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान क्या मुद्दे हैं और क्या समीकरण बनना है, इसकी समीक्षा करने के लिए डीवी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। परिचर्चा में कई वरिष्ठ पत्रकारों ने हिस्सा लिया और अपने अपने विश्लेषण प्रस्तुत किए। परिचर्चा का संचालन डीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने किया। तो आइए देखते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश। साभा एक सहानुभूति जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ है, वो केवल सहानुभूति नहीं है राजीव जी, उद्धव ठाकरे ने क्रेडिबिलिटी और इज्जत भी कमाई है। जिस तरीके से उन्होंने सरकार चलाई थी, तो तमाम सारे ऐसे लोग राजीव जी जो दशकों से शिवसेना के प्रति एक खास किस्म का नजरिया रखते थे, उनका नजरिया बदल गया जब उद्धव ठाकरे की सरकार बनी। आप सोचिए कि पर्यावरणविद, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पर्यावरणविद और शिवसेना कहाँ आपस में दो ऐसे छोटे नदी के दो किनारे तो कभी मिलते नहीं थे, लेकिन आते ही उन्होंने वो आर्य कॉलोनी का फैसला किया। और आप देखिए कि सारे जो पर्यावरणविद थे या बुद्धिजीवी थे वो उनके साथ हो गए। तो परसेप्शन जो है उद्धव ठाकरे ने बहुत बढ़िया बनाया अपना, पहली बात। दूसरी बात कि आप पिछले चुनाव को ही देखिए, अगर आप बीजेपी का वोट शेयर शिवसेना से गठबंधन के बावजूद बहुत मामूली बढ़ा था, शिवसेना का वोट शेयर लगभग 2.5% से भी ज़्यादा बढ़ा था जी। और अब बीजेपी जिनके साथ गई है, एनसीपी, अजीत पवार और शिवसेना शिंदे ग्रुप, इनका कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं है। तो ये बड़ा एक जिसको कहा जाता है कि ब्लाइंड जो है वो बाजी लगाई है बीजेपी ने इनके साथ। पिछला रिकॉर्ड ना होना एक बड़ी बात है। दूसरी बात की जिस बात की बहुत चर्चा है पूरे देश भर में, वॉशिंग मशीन, ये वॉशिंग मशीन से निकले हुए लोग हैं। और महाराष्ट्र के चुनाव में हमने पिछले भी देखा है राजीव जी, पिछला चुनाव भी याद कीजिए, 2017 का चुनाव, जहाँ शरद पवार पानी में भीगते हुए उन्होंने भाषण दिया था और किस तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने एक दल बदलू को हरा दिया था बुरी तरह से जी। तो महाराष्ट्र की जनता या देश की कहीं की भी जनता दल बदलुओं को बहुत अच्छे नज़रिए से नहीं देखती है। और जहाँ तक शरद पवार की बात है, शरद पवार केवल महाराष्ट्र के नहीं, पूरे देश के बड़े कद्दावर नेता हैं, सबसे सीनियर मोस्ट नेता हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार सीनियर मोस्ट नेताओं में गिनती होती है इनकी। तो पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, ये बड़ा जो है सॉलिड वहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो इसमें मुझे लगता है कि जो रिजल्ट आएगा या जो इलेक्शन होगा उसमें बीजेपी को उतनी उम्मीद, जितनी उम्मीद उन्होंने पाली है, वो नहीं मिलेगी। दूसरी एक बात तो केजरीवाल का मामला है, एक दो मिनट में अपनी बात रखता हूँ केजरीवाल में। देखिए, उनको रिलीफ नहीं मिला कोर्ट से, लेकिन कोर्ट ने आज अपने जजमेंट को उन गवाहों के बयान पर निर्भर किया है, उस पर आधारित किया है जो अप्रूवर बन चुके हैं। तो आगे उनकी जो लीगल स्ट्रेटजी वो बड़ी मायने रखती है। उन्होंने बेल को चैलेंज नहीं, बेल नहीं मांगी थी, उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। पीएमएलए के सामने जानते हैं कि उसमें बेल बड़ी पेचीदगी का भरा मामला है। अब वो लीगल स्ट्रेटजी क्या थी कि वो एक जजमेंट उनको प्रोक्योर करना था जो उन दलीलों पर था, जो बहुत जिनके बारे में अलग नज़रिया हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में इस ढंग से जाएगा तो मामला दूसरा होगा। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, एक मुकदमा और चल रहा है, वो मुकदमा देश की सबसे बड़ी अदालत में है, जनता की अदालत में, और उसका फैसला 4 जून को आएगा और उसकी कोई अपील नहीं होगी। दिल्ली की 7 में से 1 भी सीट अगर कम होती है बीजेपी की, तो ये माना जाएगा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी जो थी वो राजनीतिक कारणों से थी, वो गलत थी, जनता ने उसको नकार दिया।
बिल्कुल अब बिल्कुल हकीकत देखिए, हकीकत राजीव जी ये है कि 7 की 7ों सीटें फंसी हुई दिखती हैं। मैं तो एक सीट का कह रहा हूं कि एक सीट बीजेपी से निकलती है अगर, तो माना जाएगा कि जनता ने उनकी गिरफ्तारी को गलत मान लिया। पहले राजीव जी इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। जी प्लीज। मैं 1 मिनट में बताऊंगा कि इस वीडियो में मोदी जी और राहुल गांधी की भाषा में क्या अंतर है, और भाषा में अंतर से पहले एक बात समझ रहे हैं हम लोग। इस वीडियो को सिर्फ इंस्टाग्राम पे 30 मिलियन लोगों ने देखा है। 30 मिलियन का मतलब 3 करोड़ से ऊपर सिर्फ इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम युवा लोगों का माध्यम है राजीव जी, बहुत युवा लोगों का सोशल मीडिया है वो। तो आप देखिए कि वो संदेश कहाँ जा रहा है, एक बात। दूसरी बात आप देखिए कि मोदी जी जब कहते हैं तो उनका इशारा ऐसे होता है, मोदी की गारंटी, मोदी आपको ये दे रहा है, मतलब वो एक राजा और प्रजा वाला जो संदेश होता है वो होता है। मोदी जी के आपने घर से दे रहे हैं, जनता की कमाई से ही दे रहे हैं ना आप। जनता का टैक्स जो आप खर्च कर रहे हैं, जनता ने आपको नियुक्त किया है उसके टैक्स को ठीक ढंग से खर्च करने के लिए। ठीक ढंग से आपने किया नहीं किया वो 4 तारीख को पता चलेगा। दूसरी बात, राहुल गांधी ये कह रहे हैं राजीव जी ये मैनिफेस्टो आपने बनाया है और शुक्रिया आपका, और आप सुझाव दीजिए इसको और बेहतर करवाइए। आप ये देखिए कि ये दो अलग अलग धाराएं हैं भारत की राजनीति में। एक धारा राजतंत्र की तरफ ले जा रही है जो डेमोक्रेटिक नहीं है, और एक धारा जो कि बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से बातों को रख रही है। दूसरी बात, आपने जो बात की राजीव जी की, जो चर्चा हो रही है कि पहले राउंड में अभी 10 दिन बचे हैं सिर्फ, तो पहला राउंड किसकी तरफ गया, किसके पास गया? पहला राउंड राजीव जी इलेक्टोरल बॉन्ड, सुप्रीम कोर्ट, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस का मैनिफेस्टो, जी ये 4-5 चीजें हेडलाइन में छाई रही। मोदी जी देर में आए, और देर में आए तो उन्होंने मुस्लिम लीग किया। बहुत संदेश साफ है कि उनको अपने काम का बताने का उनके पास कुछ भी नहीं है। वो बता रहे हैं कि अभी भी मैं 2002 से अभी तक हिंदू मुस्लिम पे ही वोट मांग सकता हूँ, उनका जीवन वहां से आगे बढ़ा ही नहीं। ये बहुत मौलिक फर्क है। और एक एक आखिरी बात राजीव जी, जी निगाहें चुनाव आयोग पे भी होंगी। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के नेता सुरजेवाला को नोटिस दिया है हेमा मालिनी के बारे में, उन्होंने कुछ टिप्पणी की। वाकई वो टिप्पणी गलत है, नहीं करनी चाहिए थी, उसकी आलोचना की जा सकती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को क्या ये नहीं दिख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, हिंदू मुस्लिम डिवाइड की काम बात कर रहे हैं, एक पार्टी के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का डॉक्यूमेंट बता रहे हैं, अरुण गोविल भगवान राम की फोटो लेके वोट मांग रहे हैं, जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब खुला उल्लंघन है। कोई लेमैन भी बता सकता है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि इतनी लंबी सिविल सर्विसेज की, जी ये तस्वीर देख रहे हैं आप, जी इतनी लंबी सिविल सेवा की तजुर्बे के बाद ये अधिकारी वहां बैठे हुए हैं, संवैधानिक पद पे हैं और संवेदनशील भी हैं, रात में उनको शायरी वायरी भी लिखते हैं, उनको ये दिख नहीं रहा है कि आपको सिर्फ रेड प्लस सुरजेवाला दिख सिक्योरिटी रहा दे है। दी गई है, सिक्योरिटी उनकी बढ़ा दी गई है। शांत टंडन जी, नहीं वो जेड ठीक है, कैटेगरी है उनके सिक्योरिटी पास। आप उनको दें, ब्लैक कैट दे दें, जेड प्लस दे दें, उनको कुछ भी दे दें टैक्स पेयर की मनी पर, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ये दिख नहीं रहा है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो इस अब जनता इसका भी जवाब देगी। देखिए जनता ने हर चीज का जवाब दिया है। आप इस देश की लोकतंत्र को देखेंगे पिछले 50 साल के, जनता ने इस तरीके के सारी चीजों का जवाब दिया है। जी तो बिल्कुल देखते हैं 10 दिन बचे हैं कि क्या होता है, लेकिन 10 दिन में ये सब हुआ है। बिल्कुल, 10 दिन बचे हैं, क्या कुछ होने जा रहा है, चुनाव किस दिशा में है, और इस चुनाव पर क्या आज की तारीख में कौन कौन। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को,
फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।